MCT, India. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से हल्द्वानी हिंसा में 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हल्द्वानी के कई इलाकों में फिलहाल पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बनभुलपुरा, इंदिरा नगर, किदवाई नगर में पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा पर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने 100 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है। देर रात पुलिस ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा, इंदिरा नगर, किदवाई नगर में छापेमारी की और 100 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं और इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 100 लोगों को हिरासत में लिया गया। कई इलाकों में पुलिस की तरफ से छापेमारी अब तक की जा चुकी है। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी को हिंसा की रात अंधेरे का फायदा उठाकर कई उपद्रवी हल्द्वानी छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए हैं और पुलिस की करीबन 10 टीमें इस चीज के लिए फरार हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, आरोपी अब्दुल मलिक जो है उसकी लगातार तलाश की जा रही है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश। तो 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद फिलहाल हल्द्वानी में हालात सामान्य बने हुए, शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश की जा रही है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 फरवरी को फैली हिंसा के बाद हल्द्वानी के बनपुरपुरा इलाके में जिंदगी धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है। दूसरी तरफ उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तरफ आरोपी अब्दुल मलिक जो मास्टर माइंड बताया जा रहा है उसकी तलाश की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव पहुंचा है बनभुलपुरा की उन तंग गलियों में जहां से उपद्रवी बाहर आए थे और थाने को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, थाने के सामने आग लगा दी थी। लेकिन अब बनभुलपुरा की इन तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में जो अंदर से ताले लगाए गए हैं ताकि कोई भी, अगर पुलिस भी खटखटाती है तो तब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग उपद्रवी थे वो इन गलियों से ही आए थे और दौड़ लगाते हुए, फायरिंग करते हुए ऐसे यहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। जब भी छापेमारी की जाती है, कल रात देर रात भी इसी गली में पुलिस यहाँ आई थी और यहाँ पर तकरीबन 150 जवानों ने आसपास के इलाके में छानबीन की और इसी गली के अलावा दूसरी गलियों में देखो अभी भी अंदर से लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर कर्फ्यू के हालात में पूरी तरह से टाइट यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये कहा गया है कि कोई भी नहीं आ सकता है। और उसके अलावा जो आज फूड सप्लाई है वो यहाँ पर दूध की सप्लाई वगैरह की गई है। उसके बाद यहाँ के लोग खुद घरों के अंदर कैद हैं और देर रात भी कई जगह पर छापेमारी की गई थी। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो हल्द्वानी में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुए बवाल के बाद धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बनभुलपुरा को छोड़कर बाकी के इलाकों में कर्फ्यू हटा दिया गया है, इंटरनेट सेवा बहाल हो चुकी है और हल्द्वानी के लोगों का ये कहना है कि 8 फरवरी को जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। दूध की दिक्कत है, दूध नहीं आ रही, यहाँ गाड़ी नहीं आई है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसको लेकर क्या आपकी राय है? आप काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ पर रहते हुए क्या करा जा सकता साहब? ये तो प्रशासन की बात है। हाँ। प्रशासन क्या कर रहा है? लेकिन जो लोगों ने किया, जो बनभुलपुरा, देखिए हुआ तो गलत है, हुआ तो गलत ही है। जो भी कुछ हुआ इतने पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए था। आप तो काफी समय से यहाँ रहते हो, 40-45 साल से यहीं के हैं। ये लोग जो लोग थे कहाँ से आए थे? क्या बाहर के लोगों ने, क्या मानते हैं आप या कि यहीं के स्थानीय लोगों ने किया? नहीं, बाहर के क्यों आएंगे, यहीं के लोगों ने किया, यहीं के होंगे सब। देखिए, गम और गुस्सा था बस। गम और गुस्सा क्यों था? प्रशासन द्वारा अलग अलग तरीकों से लोगों की जमीनें, वो सरकारी जमीन ही थी। हाँ, तो अवैध कब्जा था उसको, अवैध कब्जा था, था। बस उसका था और कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये जी। बहरहाल अब ये तो प्रशासन जाने कि वो क्या कर रहा था। कई जिस तरह से तोड़फोड़ की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, ये तो गलती है। तोड़फोड़ है या पत्थरबाजी है, ये तो गलत है।
पुलिस अपना काम कर रही थी, उसे कर देना चाहिए था। पुलिस का कहना था कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए उन्हें सही कानून व्यवस्था को काबू करना था, लेकिन सही है, यही बात थी। लेकिन जो लोगों ने क्या वो गलत किया, गलत है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अब्दुल मलिक का एक वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो नगर निगम के अधिकारी से बहस करते हुए नजर आ रहा है। अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी कि 8 फरवरी का ही है। आरोप ये है कि नगर निगम की टीम जब दल बल के साथ बनफूलपुरा इलाके में अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची, तो आरोपी मलिक से उनकी जमकर बहस हो गई। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अब्दुल मलिक का ये जो वीडियो आपको दिखा रहे थे, बताया ये जा रहा है कि 8 फरवरी का ही है। देखिए, बनबुलपुरा में बवाल के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार की जा रही है। अब्दुल मलिक पर इलाके में अवैध कब्जे का आरोप है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि जब अब्दुल मलिक ने कब्जा किया और जमीन पर प्लॉटिंग की, तब प्रशासन आखिर कहां था। 50 रुपए के स्टाम्प पे जमीन बेची जा रही थी, तो आप बताइएगा, आप वो जो स्टाम्प पे मोहर लग रही, तो वो भी तहसील से तो लग रही है। उस टाइम अधिकारी उस बात को नहीं देख रहे हैं कि ये जमीन बिक रही है यहाँ पर। आज इतना कुछ हो गया, तो वक्त को कहना कि 50 रुपए के स्टाम्प पे जमीन बेची जा रही है। अब्दुल मलिक ने वो स्टाम्प में बेची है, बेची तो वो सरकारी मोहर लग के, तो वहाँ भी तो उनके पास इसकी वो रिपोर्ट नहीं होगी। तो इनका अपना है, क्योंकि बगीचा तो मलिक साहब का था, ठीक है। नहीं, बगीचा तो मलिक साहब का है, वहाँ तो लोगों को बसाया गया है, वहाँ पर जो भी रखा गया है उन्होंने खरीदना शुरू करी। जमीनें उनको खरीदनी नहीं थी, पहली बात तो लीज की जमीनें बिकती नहीं है। बाद में तोड़ते हैं, कुछ करते, जो भी होता है उसमें फैसला, लेकिन फिलहाल तो रोक देते हैं, ताकि वो जो है कम से कम इतनी वो तो नहीं होती। आज प्रशासन अपनी कार्रवाई अपने करे, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए था ये। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि दंगाइयों के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। वो ये बात पहले भी कह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वो यही बात दोहराते हुए दिखाई दिए कि कोई भी दोषी जो इस हिंसा में शामिल रहा होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी हिंसा पर बहुत बड़ा बयान एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का देखने को मिला।